और अब बात करते हैं धार की, जहां जिले के खलघाट में सवारियों से भरी बस पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरी। बस पूरी तरह से पानी में डूब गई। वहीं घटना के बाद घाट पर मौजूद लोग और नदी में चल रहे नाविक तुरंत बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र रोडवेज की बस इंदौर से पुणे की ओर जा रही थी, जो खलघाट के संजय सेतु से नर्मदा नदी में जा गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में बचे हुए लोगों के अनुसार बस में 50 से 55 यात्री सवार थे। बस को क्रेन के माध्यम से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं बारिश की वजह से नर्मदा नदी में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण कुछ लोगों की बहने की भी बात सामने आ रही है, जिन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की। उन्होंने नर्मदा नदी में हुई बस दुर्घटना की जानकारी से महाराष्ट्र सीएम को अवगत कराया। मध्य प्रदेश से सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र में भेजा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाराष्ट्र के सीएम को प्रशासन के प्रयासों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही मंत्री को घटनास्थल पर भेजने की जानकारी दी गई है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल को खलघाट पहुंचने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ को भेजने के भी निर्देश दिए, जिसके अतिरिक्त आवश्यक संसाधन घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। खरगोन और इंदौर जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। इंदौर कमिश्नर और अन्य अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। कितने लोग, कितने यात्री बैठे थे, कितने बजे निकली थी बस? बस इंदौर अमलनेर बस है, जो रोज खलघाट में 9 बजे के आसपास पहुँचती, 9:30 के आसपास पहुँचती है, है ना। इसमें ये अमलनेर डिपो की बस थी, जो इंदौर से अमलनेर रोज इसका रूट रहता है। इसमें कुछ 40 के करीबन पैसेंजर भी थे और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अमलनेर से ही है। उनकी डिटेल्स भी आ चुकी है और करीबन 40 के आसपास प्रवासी, मतलब पैसेंजर थे, 40 के आसपास पैसेंजर थे। अब देखते धीरे धीरे, जैसे डिटेल सारी 8-10 लोगों की आई है, जैसे जैसे आती है वैसे पता चलेगा। हाँ, उन्हीं का फोन आ रहा है। हमने डेपो में, शिरपुर डेपो और अमलनेर डेपो, जो डेपो की बस है, वहाँ पे इन्फॉर्म करा तो किसी ना किसी को पता चल रहा है। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे डिटेल्स भेज रहे, जैसे आगे आती है वैसे पता चलेगा। क्या महाराष्ट्र सरकार की बस थी, जो लाल रंग की बस थी, ये इंदौर से पुणे जा रही थी और बस में क्या तकनीकी खराबी आई, ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, वो रेलिंग तोड़ के मां नर्मदा में गिर गई। जो प्रथम दृष्टया अधिकारी जो वहां पर पहुंच गए हमारे सभी, उन्होंने जानकारी दी कि लगभग 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी।